तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते रविवार यानी कि 12 नवंबर को दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, जिसको आज सिनेमाघरों में छठवां दिन चल रहा है। और दोस्तों यकीन मानिए, बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि अब टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने वाली है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी, उन सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अपने 6 दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। जहां दोस्तों टाइगर 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तोड़ कलेक्शन कर रही है। 15 नवंबर को जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच था, तब फिल्म के कलेक्शन में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल मैच था, फिल्म के कलेक्शन में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली। और आज अपने छठवें दिन भी ये फिल्म पूरी दुनिया में हाउसफुल चल रही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, टाइगर 3 अपने पहले 5 दिनों में ऑफिशियली इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा, और आज अपने छठवें दिन ये फिल्म पूरे वर्ल्ड से टोटल कितनी कमाई करने वाली है, फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो चुका है, फिल्म का बजट कितना था, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहा है, तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म टाइगर 3 की, तो टाइगर 3 को तो चलना ही था, यह तो बिल्कुल तय था, क्योंकि फैंस इस फिल्म का सालों से इंतजार कर रहे थे। और अब जब फिल्म की थोड़ी बहुत निगेटिविटी हुई, लोगों ने फिल्म को खराब बताया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर किसी फिल्म का कंटेंट अच्छा होता है और वो फिल्म ऑडियंस को पसंद आती है, तो वो फिर उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और यही हुआ है टाइगर 3 के साथ। बहुत सारे हेटर्स फिल्म के पीछे पड़े हुए थे और कह रहे थे कि भैया ये खराब फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी, लेकिन टाइगर 3 सलमान खान ने ये दिखा दिया है कि सलमान खान की ये फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने वाली है। और ये लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले टाइम में ये फिल्म बहुत तगड़ा बिजनेस करने वाली है, क्योंकि फिल्म के कलेक्शन में अभी तक कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। और यही खास बात है कि टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती हुई हमें नजर आ रही है। आपको बताता चलूं मैं कि टाइगर 3 जो कि मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी थी और ये एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी थी। स्पाई यूनिवर्स में इससे पहले शाहरुख की फिल्म पठान आपने देखी थी और पठान में टाइगर की झलक आपने देखी थी, और तभी से फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने, और फिल्म में हमें सलमान खान, कटरीना कैफ, इमरान हाशमी अहम किरदारों में नजर आए, तो वहीं शाहरुख खान का स्पेशल कैमियो भी फिल्म में हमें देखने को मिला। फिल्म के अगर बजट की बात करें, तो दोस्तों 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है फिल्म का, कम से कम 300 करोड़ रुपए में फिल्म को बनाया गया है, लेकिन ऊपर से कम 25 करोड़ रुपए फिल्म के प्रमोशन में भी खर्च हुए, तो लगभग आप मान के चलिए कि फिल्म टाइगर 3 का जो टोटल बजट है वो 325 करोड़ रुपए का है। लेकिन फिल्म के मेकर्स की तैयारी थी कि फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर रिलीज करना है, और ठीक वैसा हुआ भी। फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 9000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से अभी तक परफॉर्मेंस दिखाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि दोस्तों अपना बजट अभी तक टाइगर 3 रिकवर कर चुकी है। तो अब आप मुझे बताइए कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि टाइगर 3 अभी तक अपना बजट रिकवर कर चुकी है। हालांकि इंडिया के अंदर इस फिल्म को हिट और सुपर हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में इस फिल्म को कम से कम 500 करोड़ रुपए की कमाई करनी है। लेकिन अब डालते हैं बॉक्स ऑफिस पर नजर कि पहले 5 दिनों में ऑफिशियल कलेक्शन कितना रहा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अपने पहले दिन फिल्म टाइगर 3 44 करोड़ 50 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट करने में कामयाब रही थी। वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था पहले दिन का, दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन जब लोग बिजी रहते, फिर इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 94 करोड़ रुपए कमा डाले। वहीं दूसरे दिन फिल्म पर सबकी नजरें थी, क्योंकि मंडे का दिन था, बिल्कुल फ्री दिन था, तो यहां पे नजरें थी कि टाइगर 3 बहुत बड़ा कलेक्शन करेगी। हालांकि उम्मीद थी कम से कम 70 से 75 करोड़ ये फिल्म करे, लेकिन फिर भी दूसरा दिन शानदार रहा, फिल्म ने पूरे इंडिया से लगभग 59 करोड़ रुपए की कमाई की। उसके बाद तीसरा दिन रहा फिल्म का 44 करोड़ 75 लाख रुपए का पूरे इंडिया से, और चौथे दिन जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच था, उस दिन फिल्म ने कमाए थे 21 करोड़ 25 लाख रुपए। उसके बाद पांचवें दिन जब साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, दोस्तों यहां पे आपको नजर देने की जरूरत है कि फिल्म के कलेक्शन में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली, 18 करोड़ 75 लाख रुपए फिल्म की ऑफिशियल कमाई रही। जहां दोस्तों पांचवें दिन जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, पांचवें दिन 18 करोड़
75 लाख रुपए। तो फिल्म की जो ऑफिशियल कमाई है इंडिया के अंदर 5 दिनों में 188 करोड़ 25 लाख रुपए हो चुकी है। जा दोस्तों 188 करोड़ 25 लाख रुपए। वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा वो 228 करोड़ 75 लाख रुपए रहा। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए है 74 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में 302 करोड़ 75 लाख रुपए ऑफिशियली फिल्म टाइगर 3 कर चुकी है। तो यहां पे 325 करोड़ रुपए फिल्म का टोटल बजट है, तो लगभग फिल्म ने अपना बजट रिकवर कर ही लिया है। लेकिन अब दोस्तों मैं यहां पे कहूंगा अगर फिल्म टाइगर 3 इसी तरह से 15 करोड़ 16 करोड़ 12 करोड़ 14 करोड़ अगर एक हफ्ता और खींच लेती है तो मुझे लगता है कि फिल्म 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर जाएगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर बात करूंगा मैं छठवें दिन की। तो छठवें दिन यहां पर जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी ने स्टार्ट किया वो 10% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि अपने छठवें दिन जबकि पूरी तरह से वर्किंग डे है, कोई भी हॉलीडे नहीं है, वहां पे फिल्म ने 10% की ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट किया। क्योंकि देखो ये मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 10% की, लेकिन आफ्टरनून इवनिंग और जो नाइट की ऑक्यूपेंसी रहेगी वो उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को मिलेगा। मुंबई के अंदर फिल्म के पास जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 9% की थी और फिल्म के पास 1018 शोज थे। आज भी आप देखिए छठवें दिन भी 1018 शोज थे, यानी कि कल 1048 शोज थे, तो थोड़े बहुत शोज कम हुए हैं। लेकिन यहां पे दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी शुरुआत की है वो 9% की है। फिल्म के पास 1395 शोज है, ये अभी तक काबिले तारीफ है। पुणे के अंदर 10% की ऑक्यूपेंसी से फिल्म ने शुरुआत की आज अपने छठवें दिन। बेंगलुरु के अंदर 9%, हैदराबाद के अंदर 12%, कोलकाता के अंदर 5%, अहमदाबाद के अंदर 12%। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया आज फिल्म की ऑक्यूपेंसी ने शुरुआत की है वो लगभग 10% की है। तो मुझे लगता है कि आज अपने छठवें दिन यह फिल्म 16 करोड़ रुपए की कमाई पूरे इंडिया से कर रही है। अपने छठवें दिन 16 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से, यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, छठवें दिन 16 करोड़ रुपए। तो फिल्म की जो टोटल कमाई है इंडिया के अंदर वो 205 करोड़ रुपए के लगभग हो जाएगी, यानी कि अपने पहले 6 दिनों में 205 करोड़ रुपए इंडिया में हो जाएंगे, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 330 करोड़ रुपए कमा रही है। तो यहां पे फिल्म का बजट पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। अब जो आने वाले टाइम में कमाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत जल्दी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने टाइगर 3 फिल्म देखी है आप दिल से बताना कि आपको टाइगर 3 फिल्म कैसी लगी है। थैंक यू।